नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं। इस वीडियो में एमपीपीएससी प्री की जो 50 यूनिट है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो टेस्ट है हमने विवेकानंद इंस्टीट्यूट से लिया है, तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की कंप्लीट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का जो गठन है कब हुआ था, 22 अगस्त 2005 को हुआ था। और इसके प्रथम आयुक्त तो कौन थे, टीएन श्रीवास्तव, और वर्तमान में कौन है इसके आयुक्त, अरविंद कुमार शुक्ला, तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। कब? 1 मार्च 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो मध्य प्रदेश लोक आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में लोक आयुक्त संगठन की स्थापना फरवरी 1982 में की गई थी। कब? फरवरी 1982 में। और लोक आयुक्त से जो संबंधित अधिनियम है, मध्य प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, यह 1981 में आया था। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया था। कब? 23 मार्च 1998 को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है। जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी के जो सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद में कौन नहीं रहा है, तो यहाँ पे निर्वाचन आयुक्तों के नाम दिए गए हैं, जैसे बसंत प्रताप सिंह ये निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, आदित्य विजय सिंह तो यह भी रह चुके हैं, अजीत राय यादव ये भी रह चुके हैं, लेकिन जो श्री प्रकाश चंद्र हैं यह मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो गठन है कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था सबसे पहले। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी थे, और इसके उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नाग, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत आरंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत आरंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, और इसी समिति की अनुशंसा पर एक अधिनियम पारित किया गया, कौन सा, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार 1965 में पंचायत स्तर पर चुनाव संपन्न कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य हैं, जबकि संसद में कितने सदस्य हैं, तो संसद में 40 सदस्य हैं, जिसमें से 29 सदस्य हैं जो लोकसभा में और 11 सदस्य हैं राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रथम आयुक्त थे कौन थे, एन बी लोहानी थे। कौन? एन बी लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग
के लिए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में 1956 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? जबलपुर में है, और इंदौर और भोपाल में इसकी दो खंडपीठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश थे? तो 26वें न्यायाधीश थे। और वर्तमान में रवि विजय कुमार मलीमत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब से की गई? तो मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना 26 जनवरी 2001 से मानी जाती है। कब से? 26 जनवरी 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई। कब? 1 अप्रैल 2001 को। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं, और इनकी स्थापना की जाती है क्योंकि जो लंबित पड़े मामले हैं उनके शीघ्र निपटान के लिए इनकी स्थापना की जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एमपीपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा स्थितियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एमपीपीएससी के जो सदस्य रहते हैं उनके वेतन भत्ते संबंधी जो प्रावधान है यह राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना 19 जनवरी 1994 को की गई थी। कब? 19 जनवरी 1994 को। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी थे, और वर्तमान में बसंत कुमार बसंत प्रताप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1994 में किया गया था। कब? जुलाई 1994। और इसका जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 आई के तहत मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का जो गठन है 243 के तहत मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन और मध्य प्रदेश वित्त आयोग का जो गठन है 243 आई के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किया गया है? तो 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक न्यायालय इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल है जिसका गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी थे। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राज्य वेतन आयोग है इसका गठन फरवरी 2008 को किया गया था। कब? फरवरी 2008 में राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में ए के अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसे? ए के अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा भी कहते हैं लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया मध्य प्रदेश में मनरेगा को? तो मध्य प्रदेश में मनरेगा को 2 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। कब? 2 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत कब से की गई? तो 2004 से मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार ने स्थापित की? तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सी योजना? हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालजी टंडन मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल थे? तो जो लालजी टंडन है यह मध्य प्रदेश के 22वें नंबर के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के 23वें क्रम के राज्यपाल हैं। कौन? मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? गिरीश गौतम हैं। कौन? गिरीश गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा गारंटी कानून कब लागू किया गया? तो लोक सेवा गारंटी कानून है या मध्य प्रदेश में 2010 में लागू किया गया था। कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश उपचुनाव में कितनी सीटों पर मतदान हुए थे? तो जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे तो इसमें कुल 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 28 सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश
प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 213 है इसके तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वहीं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। और जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका जो गठन है 1957 में किया गया था, कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, कब? वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो इस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह थे। कौन? दिग्विजय सिंह। और यदि राज्यपाल आए तो राज्यपाल भाई महावीर थे। कौन? भाई महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम सूचना आयुक्त हैं वह TN श्रीवास्तव थे। कौन? TN श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संस्कृति पहचान भगोरिया नृत्य शैली है। तो इसका जो राइट आंसर है भील, क्योंकि भील जनजाति में ही भगोरिया पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या ST वाला जो जिला है धार है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ हो जाएगा। कौन सा? झाबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो श्री M अधिकारी मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर और निकोबार में रखा था। तो भीमा नायक को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। तो जो बैगा जनजाति है यह मूल रूप से दक्षिण भारतीय जनजाति है। कौन सी? बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा अध्यक्ष है यदि उसे हटाना है तो उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को चमाता कहते हैं, जबकि बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को बेवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था इसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार प्रदेश की विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या 34 है। कितनी? 34 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम ई वेस्ट क्लीनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो उसका जो राइट आंसर है भोपाल है। भोपाल नगर निगम ई वेस्ट क्लीनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम है। कौन सा? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास खंड की स्थापना कहाँ की गई है। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास खंड की स्थापना जबलपुर में की गई है। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात किया जाता है। कितने वर्ष पश्चात? प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में कौन है? सूर्य प्रताप सिंह परिहार हैं। कौन से? सूर्य प्रताप सिंह परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिवराज सिंह चौहान ने किस क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जो शिवराज सिंह चौहान हैं यह किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 19वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। कौन? अभी वर्तमान में जो शिवराज सिंह चौहान हैं यह मध्य प्रदेश के 19वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास हेतु जारी रोड मैप का नाम क्या है। क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास हेतु जारी रोड मैप का नाम क्या है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोड मैप 2023। क्या है रोड मैप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो अरविंद कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ईज़ ऑफ डूइंग में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है ईज़ ऑफ डूइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रोशनी भदौरिया है, यह महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान। और पहले स्थान पर कौन है, तो गुजरात है। और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किस क्षेत्र से सांसद हैं, तो जो वीरेंद्र सिंह खटीक हैं, यह 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे और यह टीकमगढ़ से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयजल व्यवस्था पर आधारित मध्य प्रदेश की योजना का नाम कौन सा है, तो हर घर नल से जल, यह योजना है, यह मध्य प्रदेश की एक प्रमुख योजना है जो कि पेयजल व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना को शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है, तो जो जीवन शक्ति योजना है, कौन सी? जीवन शक्ति योजना, यह शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। कौन सी योजना? जीवन शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य से शुरू की गई योजना कौन सी है, तो गरीब एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका दिवस पर 24 जनवरी को मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस अभियान की शुरुआत की, तो पंख अभियान की शुरुआत की थी बालिका दिवस पर। कौन सा अभियान? पंख अभियान। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PANKH। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि पीक मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब अवेयरनेस, एन मतलब न्यूट्रिशन, के मतलब नॉलेज और एच मतलब हेल्थ। तो इसे आप याद रखिएगा कि पंख अभियान है, इसका जो फुल फॉर्म है पी मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब अवेयरनेस, एन मतलब न्यूट्रिशन, के मतलब नॉलेज और एच मतलब हेल्थ। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण पादुका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, तो चरण पादुका अभियान है या मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबल योजना 2020 में किस राज्य से पुनः प्रारंभ की गई, तो संबल योजना की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में, इसकी शुरुआत पुनः प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मध्य प्रदेश में लाडो अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है? इशिता विश्वकर्मा है। कौन? इशिता विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुमित्रा महाजन को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक सेवा के क्षेत्र में सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के उन जिलों का नाम बताइए जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धार, मंडला और झाबुआ। यह ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति या ST का जो प्रतिशत है 50% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, तो कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? कोर्क मध्य प्रदेश की जनजाति है, गौण है, भील है, लेकिन जो थारू जनजाति है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कौन सी? थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो जो बूढ़ा देव है यह बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। किसके? बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़बग्गा और जिंदवा किस क्षेत्र के प्रमुख लोकनाट्य हैं, तो जो लकड़बग्गा और जिंदवा हैं यह किस क्षेत्र के लोकनाट्य हैं, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड या बघेलखंड के प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं। कहाँ के? बघेलखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार 69.32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एल्किलाइट फैक्ट्री
की स्थापना कब की गई, तो जो एल्किलाइट फैक्ट्री है यह कहाँ पर है, तो एल्किलाइट फैक्ट्री है नीमच में है, और इसकी जो स्थापना है 1975-76 में की गई थी। कब? 1975-76 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश की जो पहली कपड़ा मिल है यह कहाँ पर है, तो यह बुरहानपुर में 1906-07 में स्थापित की गई थी। कब? 1906-07 के बीच, कहाँ पर? बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ हुई, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, इंदौर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्स देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में, लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना देवास में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना यही भी इंदौर में, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, इन चारों जिलों का जो लिंगानुपात है 1000 से ऊपर है। कितना है? 1000 से ऊपर है। कौन कौन से जिले हैं? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मनेरी फूड पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में मनेरी फूड पार्क कहाँ पर है, तो यह मंडला में है। कहाँ पर? मंडला में। यहाँ पे कुछ और फूड पार्क देखेंगे, जैसे निमरानी खरगोन में है, जग्गा खेड़ी मंदसौर में है, बोरेगांव फूड पार्क छिंदवाड़ा में है, मनेरी मंडला में है, और बाबई होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। कहाँ पर? उमरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सबसे कम अनुसूचित जाति या SC जनसंख्या प्रतिशत है, तो किस शहर में सबसे कम SC परसेंटेज है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झाबुआ में सबसे कम SC परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति या SC का परसेंटेज कितना है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में SC का परसेंटेज कितना है, तो उसका जो राइट आंसर है 15.6% SC निवास करती है, जबकि ST का परसेंटेज कितना है, तो लगभग 21% ST जनसंख्या मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव कैसा होता है, तो ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1907 में दतिया में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना की गई थी। कब? 1907 में दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया, मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 1956 में पहली बार नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1956 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है 15 नवंबर 2007 को। कब? 15 नवंबर 2007 को पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती हुई गतिविधियों के बेहतर संचालन हेतु स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की गई थी। कब? 15 नवंबर 2007 को। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्वाचन है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज की कितनी स्तरीय व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चल रही है, त्रिस्तरीय, जिसमें कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, तो उसका जो राइट आंसर है महेंद्र सिंह सिसोदिया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो वर्तमान में इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। कौन? इकबाल सिंह बैस। नेक्स्ट है कि पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है, तो पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में ST या अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 सीटें निर्धारित की गई हैं। कितनी? 47 सीटें ST के लिए निर्धारित की गई हैं और SC के लिए 35 सीटों निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KC रेड्डी का निधन हो गया, यह कौन थे, तो यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। कौन? KC रेड्डी या मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं जिनकी जो मृत्यु है कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो जो राम प्रकाश गुप्ता हैं इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सर्वाधिक 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। तो जो भगवत दयाल शर्मा हैं यह मध्य प्रदेश के 3 बार राज्यपाल बने हैं। कौन? भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग के किस पद में हैं। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सदस्य हैं। कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संदर्भ में असत योग में का चयन कीजिए। तो जो लालिमा अभियान है इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 से मानी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 से मानी जाती है। लेकिन जो लाडो अभियान है इसकी शुरुआत 2013 से मानी जाती है। कब से? 2013 से। और ममता अभियान है इसकी शुरुआत 2015 से मानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन समाप्त किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।